नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ HP शिक्षा चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबर के साथ। तो हिमाचल प्रदेश की मंत्रिमंडल की बैठक कल होनी थी, तो इस बैठक को किन्हीं कारणों से अब स्थगित कर दिया है। तो कब ये दोबारा कैबिनेट बैठक होगी और क्या इस बैठक में बड़े फैसले होने की संभावना है, तमाम जानकारी आपके समक्ष साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए जानते हैं कैबिनेट बैठक में क्या बड़े फैसले होने की संभावना है। तो मंत्रिमंडल बैठक में लगेगी घोषणाओं पर मुहर, 4,700 पदों पर भर्ती का रास्ता होगा साफ। आम आदमी पार्टी की आहट से चौकन्नी हुई प्रदेश भाजपा सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू पानी के बिल खत्म कर दिए हैं, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पानी का बिल भुगतान नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह से सरकार ने महिलाओं को राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में किराया दरों में 50% की छूट देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस के अवसर पर की गई घोषणाओं पर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मुहर लगेगी। वहीं हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की सोमवार यानी कल होने वाली बैठक किन्हीं कारणों से स्थगित कर दी गई है, अब यह बैठक अगले सप्ताह के अंत तक प्रस्तावित है। वहीं दूसरी ओर बैठक में हिमाचल दिवस पर जयराम ठाकुर की ओर से की गई घोषणाओं पर मुहर लगेगी। इसके बाद सरकारी अधिसूचना जारी होने पर ही पानी निशुल्क होगा और महिलाओं को परिवहन निगम की बसों पर आधा किराया लगेगा। इसके अतिरिक्त कल होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में शिक्षा विभाग में 4,700 NTD पदों की भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को अंतिम रूप दिया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर बात करें तो प्रदेश में घरेलू पेयजल के करीब 16 लाख उपभोक्ता हैं और सरकार को इनसे सालाना 60 करोड़ रुपये आते हैं। अब घरेलू उपभोक्ता को हर महीने आने वाला 34 रुपये का पेयजल बिल भुगतान नहीं करना होगा। शहरी क्षेत्रों के 1.5 से 2 लाख पेयजल उपभोक्ता ही पानी का बिल चुकाएंगे। वहीं राज्य की आबादी का 33.82 लाख आंकड़ा महिलाओं का है और सरकार की घोषणा लागू होते ही महिलाओं को आधा किराया चुकाना होगा, यानी सरकार ने महिलाओं के लिए किराया आधा करने का निर्णय लिया है। अभी तक महिलाओं को यात्रा करने में 25% किराया दरों में छूट मिलती थी। दूसरी तरफ परिवहन निगम के पेंशनर को आधा महीना गुजर जाने पर भी मासिक पेंशन का भुगतान नहीं हुआ है। तो यही थी बड़ी खबर कि हिमाचल प्रदेश की मंत्रिमंडल की बैठक कल आयोजित होनी थी, तो किन्हीं कारणों से इस बैठक को स्थगित कर दिया है। अब यह बैठक जो है अगले सप्ताह तक अंत तक प्रस्तावित है। तो इस बैठक में कई बड़े फैसले होने की संभावना है। तो तमाम यही थी बड़ी खबर। तो हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।